नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं, यानी तुला राशि में। इस गोचर का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मंगल ऊर्जा, हिम्मत, शौर्य के ग्रह हैं। 22 अक्टूबर को मंगल धन ऐश्वर्य के कारक ग्रह, स्त्री ग्रह शुक्र यानी कि लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के घर में शुक्र का जाना क्या शुभ परिणाम देगा, क्या तुला राशि में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं, क्या तुला राशि में मंगल बुरे परिणाम देते हैं, ये सारी जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं, इसका सारा बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मंगल यहां पर 5 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। मंगल के लिए यह राशि अस्त राशि है, वैसे मंगल यहां पर सम है। जिन लोगों को शुक्र या मंगल की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होगा इस गोचर का। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन पर भी इसका थोड़ा सा अधिक असर होगा। तो आइए, इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा वो हम जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्र तुला राशि में कैसे रिजल्ट देते हैं। शुक्र सुख, समृद्धि, आराम का ग्रह है और मंगल क्या है, सेनापति है, सैनिक है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा और उसके बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग रोल है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो शुक्र जो है मधुर है, मीठी वाणी है, सौम्य है, कोमल है, और मंगल उतना ही मजबूत है, उतना ही ताकतवर है, उतना ही कड़क है। तो शुक्र प्यार की बातें करता है, और एक जो फौजी होता है, जो सिपाही होता है, वो प्यार की बातें नहीं, वो डिसिप्लिन की बातें करता है, नियम कानून की बातें करता है। तो दोनों का आप अंतर समझ रहे हैं, तो इससे आपको जब आपकी राशि के बारे में मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मंगल और शुक्र जो है सम ग्रह हैं। शुक्र क्या है, पानी है, मंगल क्या है, आग है, और पानी और आग का मिलन नहीं है। पानी और आग जहां पर होते हैं, पानी जहां आग पर पड़ता है तो आग खत्म हो जाती है। अब जब मंगल शुक्र के घर में जाएंगे तो मंगल का जो कड़कपन है, मंगल का जो रौद्र रूप है, उस पर थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि मंगल थोड़े से शांत हो जाएंगे, मंगल में मधुरता आ जाएगी, थोड़ा सा कहते हैं चीनी घुल गई। मंगल एक पुरुष है और शुक्र एक स्त्री है। मंगल वो पुरुष है जिसके अंदर पुरुष होने के सारे गुण हैं, और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है। तो जब एक पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो बच्चे का जन्म होता है, यानी इस संसार की संरचना होती है। तो इन दोनों का मिलन एक नई उत्पत्ति को जन्म देता है, यानी संसार को आगे बढ़ाने का जो रूल है उसमें शुक्र और मंगल का बड़ा योगदान रहता है। लव, लव क्या है, वो शुक्र है। पैशन क्या है, वो मंगल है। तो लव और पैशन जब एक साथ मिले तो संसार की संरचना होती है, संसार की उत्पत्ति होती है। शिव और शक्ति का मिलन भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर शिव और शक्ति योग भी बनता है। इस गोचर में मांगलिक कार्य होंगे। मंगल शुक्र का यह परिवर्तन 30 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुभ परिणामों की जो आपकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। इस गोचर में बहुत सारी राशियों को बहुत सारे शुभ परिणाम मिलेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे इस गोचर के रिजल्ट जानकर। जो कुछ लोगों को तकलीफ होगी उनके लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस गोचर में मांगलिक और शुभ कार्य होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब 30 तारीख तक क्या है, मंगल कहाँ चले गए हैं, तुला राशि में, और शुक्र कहाँ है, वो वृश्चिक राशि में। तो दोनों ग्रह अपनी मतलब एक दूसरे की राशि का स्थान परिवर्तन हो गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे, कोई गलती या कोई जो कहते हैं ना, कोई उठा पटक ज्यादा नहीं होगी। तो आपको इस गोचर को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आपकी राशि की बात करते हैं, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
तो शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। मंगल का यह गोचर जो है आपके नवम भाव में होगा। इस गोचर के दौरान मंगल आपको शुभ परिणाम देंगे कुछ शर्तों पर। मंगल ग्रह जो है आपके तीसरे और दसवें घर के स्वामी हैं और नवम भाव किसका होता है? धर्म का, पिता का, भाग्य का, देव गुरु बृहस्पति का। तो भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है, तो भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ सावधानियों के साथ में, आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से मनमुटाव ना करें, उनसे तू तू मैं ना करें। पिता से संबंध बहुत बेहतर रखें, उनका आज्ञा का पालन करें। पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, या आप पिता की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। लंबी यात्रा बहुत लाभकारी रहेगी। वीजा अप्लाई करना चाहते हैं विदेश जाने के लिए, कर लें। पीआरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर लें। विदेश में पढ़ाई लिखाई या नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। विदेश यात्रा से आपके व्यापार में भी लाभ होगा और विदेश यात्रा से आप अपना मनोरंजन भी कर पाएंगे। कार्य में कोई बड़ा बदलाव अचानक से हो सकता है, नौकरी में भी व्यापार में भी। जैसे कि नौकरी करने वाले कोई बड़ा बिजनेस साथ में खोल लें, या व्यापार करने वाले एक और नया व्यापार साथ में खोल लें, या हो सकता है कि आपका व्यापार बहुत फायदे में ना चल रहा हो तो आप व्यापार छोड़कर फिर से नौकरी में वापस चले जाएं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो भी लोग 30-32 साल से ऊपर के हैं उनके लिए अचानक से बदलाव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। आप बिना किसी भय के काम करेंगे, यह समय आपके लिए बेहतर है। कम उम्र में विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। छोटी बड़ी यात्राओं के शौकीन भी होंगे, बुद्धि से प्रयास करेंगे और भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। साढ़े साथी का प्रभाव भी है, लेकिन साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ही कम रहेगा, इसलिए सोच विचार कर सभी काम करेंगे तो साढ़े साथी भी परेशान नहीं करेगी। जल्दबाजी में हानि हो जाएगी। युद्ध से जुड़े हुए काम, जो हथियार वगैरह बेचते हैं, उनको बहुत लाभ हो सकता है। भाग्य आपका बहुत आपको साथ देगा, तो भाग्य बन रहा है अच्छा, तो सावधानी रखिएगा कहीं अपने बनते हुए भाग्य को बिगाड़ ना लें। और धार्मिक स्थल पर जरूर आपको जाना चाहिए, कोई ऐसी यात्रा होती है या कहीं जाना होता है तो जरूर जाइएगा। आप अपने सभी काम तय सीमा में पूरे कर लेंगे, यानी जो भी लक्ष्य है उसका जो आपने समय बांधा है उस तय लक्ष्य में पूरे कर लेंगे, तय समय में पूरा कर लेंगे। आप किसी व्यवसाय में हैं तो आपकी प्रगति होगी, यदि आप नौकरी में हैं तो भी प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो आपने काम किए थे, जो मेहनत की थी, उसके भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। पिछले दिनों के काम के लिए भी आपकी शाबाशी होगी, आपको सफलता मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, दान धर्म करते रहें, मंदिर में मत्था टिकाते रहें। यह समय एक लग्जरी समय होगा, एक भव्यता का समय होगा, यानी कि शान और शौकत से एक वक्त बिताएंगे। पैसा अपने शान और शौकत को, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे और बहुत अधिक कमाई भी होगी। ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो रही, सिर्फ खर्चा हो रहा है, यहाँ पर कमाई भी मंगल आपकी कराएंगे। आपका रवैया जो है खुश मिजाज रहेगा, जिंदा दिल इंसान होंगे, किसी से डरेंगे नहीं। किसी काम को देखकर एक होता है ना, आदमी के मन में घबराहट पैदा नहीं होगी। जो भी काम आएगा उसको पूरा करने का जज्बा होगा आपके अंदर, खुश मिजाज चेहरा, हंसी मजाक करते हुए इंसान होंगे आप। सामाजिक दायरों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, दोस्ती, यारी, परिवार, रिश्तेदार, बॉस, सहकर्मी और भी जिन लोगों से आपका मिलना जुलना होता है उनसे एक बढ़िया मीटिंग, अच्छी बातचीत होगी और एक खुशनुमा माहौल आसपास का भी बनेगा। आप इस समय में कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, कुछ लोगों को दान वगैरह दे सकते हैं, कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी संस्था की कोई मदद वगैरह कर सकते हैं। तो पिता से रिश्ते तनावपूर्ण नहीं बनाने हैं और बॉस से रिश्ते तनावपूर्ण नहीं बनाने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपके प्रयास जो भी होंगे अंत में उनमें सफलता जरूर मिलेगी। इस गोचर के दौरान भाई बहनों से आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे, ये दिल से जुड़ाव होगा। भाई बहनों में कल पिछले दिनों में कोई लड़ाई हुई थी तो वो लड़ाई की एक दूसरे का पश्चाताप होगा, एक दूसरे से सॉरी बोल सकते हैं और दिल से फिर से वो प्यार उभरेगा और आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आ रहा है। 30 तारीख तक तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, 22 से 30 तक, उसके बाद दीपावली का पर्व आ जाएगा, वो भी आपके लिए खुशियों भरा होगा। तो आप कुल मिलाकर एक अच्छा सेलिब्रेशन कर सकते हैं इस आने वाली दीपावली में,
और परिवार में आपके मंगल ही मंगल होगा। कुछ मांगलिक कार्यों पर भी खर्चा संभव है, यानी शादी, विवाह, यात्रा, कुछ खरीदारी, इन सब चीजों पर भी खर्चा संभव है। वाहन इत्यादि पर भी पैसा खर्च हो सकता है, यानी कि आप जब जिंदा दिल होंगे, अब जिंदा दिल इंसान तो सुख सुविधाओं पर ही पैसा खर्च करता है, तो घर की लग्जरी पर, गाड़ी पर, घर को और बढ़िया बनाने पर, नया घर लेने पर, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में परिवर्तित करने का, तो ये सब चीजें आपके जीवन में होंगी। और कुंभ राशि वाले कहीं ना कहीं धन का जो सपोर्ट है वो भी बना रहेगा। तो आपको उपाय क्या करने हैं, अगर आपके बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी है यानी आपकी भाभी हैं, तो उनसे संबंध बिल्कुल ना बिगाड़ें, उनका आशीर्वाद लें। लाल रंग का रुमाल एक अपने पास, अपनी जेब में या अपने पर्स में या बैग में रख सकते हैं या रख सकती हैं। बंदरों को केला भी खिलाया जा सकता है, किसी मंदिर में या जहां पर भी बंदर पाए जाते हों आप उनको केला खिलाएं, पूरे गोचर काल के दौरान खिलाएं, हर मंगलवार को खिलाएं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सब बढ़िया है तो इस गोचर का कुंभ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा, मंगल, बहुत सारा मंगल करेंगे आने वाले दिनों में। तो यानी कि अब जीवन में जो अंधेरा था, जो कन्फ्यूजन थी, जो समझ में नहीं आ रहा था, मंगल के बल से वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप नाक की सीध में चलते जाइए और सफलता पाते जाइए। हरिओम नमस्कार। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ, जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू, इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीजें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्द का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि जहां पर लाजवर्द है वहां पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियां भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं, ये है वो पांच चीजें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा, आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नज़दीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।